आपने कहीं देखा है कि 150 में से 142 क्वेश्चन चैलेंज किए जाएं? शायद आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि ये झूठ है, लेकिन साथियों ऐसा ही कुछ हुआ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक विवादित परीक्षा के बारे में। साथियों यूपी टेट का आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, 69,000 पदों पर अभी परीक्षा हुई थी, तो उसकी आंसर की आ चुकी है और आंसर की के बाद जो चैलेंज किए गए हैं 142 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं और अभी तक ये सबसे विवादित परीक्षा बन चुकी है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि 142 क्वेश्चन चैलेंज किए जाए, लेकिन साथियों इस परीक्षा में ऐसा हुआ है और आपको बता देता हूं कि 21,000 के लगभग कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया है, मतलब जो की चैलेंज की है लगभग 21,000 कैंडिडेट्स ने की चैलेंज की है, तो ऐसा कहीं होता नहीं देखा हमने भी और शायद आपको ये सुन के बिल्कुल यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन साथियों ऐसा ही हुआ है और जिन साथियों के मार्क्स कम बैठ रहे हैं तो उन्हें इससे बेनिफिट मिल सकता है और लगभग काफी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे, उनके मार्क्स मिलेंगे जो रियल में ही गलत है। हालांकि 142 क्वेश्चन चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं देखा 5-4 क्वेश्चन चैलेंज होते देखे हैं, लेकिन 150 में से 142 क्वेश्चन चैलेंज पहली बार हमने देखा है और ये सबसे बड़ी विवादित परीक्षा बन चुकी है। हालांकि अब की बार इस साल काफी परीक्षाएं हुई हैं, खासतौर पे बात करें हम टीचिंग लाइन की, तो टीचिंग लाइन में काफी परीक्षा में कंट्रोवर्सी रही है। डीएसएसबी की बात करें, इवन अभी केवीएस की आंसर की आई है, तो केवीएस की आंसर की से जो कैंडिडेट्स के मार्क्स मैच करे हैं उन्होंने तो वो काफी मार्क्स कम होते दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही चीजें सीटेट और एसटेट के साथ भी हुई है, कैंडिडेट्स ने जो चैलेंज किए थे उम्मीद थी कि ये आंसर सही होंगे लेकिन वो सही नहीं बैठे। ऐसे ही डीएसएसबी में कुछ शिफ्ट थी, जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था जो कैंडिडेट्स ने चैलेंज किए थे, तो उनके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं, इवन उनके मार्क्स भी कम हो गए, बढ़ना तो दूर कम मार्क्स हो गए। तो जो ये चीजें हुई हैं काफी गलत हुई हैं कैंडिडेट्स के साथ। तो अभी हम बात करते हैं यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ है तो उसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है 19 जनवरी तक आ जाएगी, बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को आंसर की आ जाएगी। एक बार फिर बता देता हूं, 150 में से 142 आंसर चैलेंज किए गए हैं, इसके बाद 21,000 कैंडिडेट्स ने लगभग वो चैलेंज किए हैं और 19 जनवरी को जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आने की उम्मीद है, वो बताया जा रहा है। तो साथियों ये थी न्यूज, अगर आपको न्यूज अच्छी लगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। डेली न्यूज में एजुकेशनल न्यूज आपको बताई जाती है, मॉर्निंग न्यूज हमारा एक प्रोग्राम चलता है। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।